आजम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 रामलीला मैदान के पास रिलायंस टावर में आग लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। हम आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने आग पर काबू पा लिया है। घटना 6:30 बजे शाम की बताई जा रही, जहां पर मोबाइल टावर में आग लग गई, जिससे मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। तत्काल मामले की जानकारी अग्निशमन टीम को दी गई। फायर कर्मी आनंद सिंह की अगुवाई में पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक ही जगह पर दो मोबाइल टावर स्थित होने के चलते बड़े जनरेटर में भारी मात्रा में डीजल रखा हुआ था। यदि समय रहते आग पर काबू न पाया गया होता तो बड़ी घटना घट सकती थी। आग बुझने के बाद मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली। अग्निकांड का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया गया है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। हमारे फायर स्टेशन लालगंज सूचना गई कि रामलीला मैदान कस्बा लालगंज के अंतर्गत एक वार्ड नंबर 11 में रिलायंस का टावर है, इसके जनरेटर में आग लग गई। हमारी फायर सर्विस यूनिट तत्काल घटनास्थल पर आई और आग बुझाना प्रारंभ किया। नुकसान अभी अनुमानित ये बता रहे हैं लगभग 4-5 लाख रुपए, लेकिन आकलन करके हमें कल ये बताएंगे।